अपने गरम तेवर के साथ कोर्ट में इसे नजर आए जीतू सोनी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे पहले हनी ट्रैप मामले का प्रमाण के साथ खुलासा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार व लोकस्वामी के डायरेक्टर जीतू सोनी आज कोर्ट में अपने दमदार तेवर के साथ नजर आए। भले ही वे पुलिस की गिरफ्त में कोर्ट में पेश हुए, लेकिन अपनी चित परिचित शैली के साथ अपनी बात रखते नजर आए। कोर्ट में मौजूद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोनी ने बताया कि पूरा प्रकरण जो है वह राजनीति से प्रेरित है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप इन मुकदमों को? इन सब मुकदमों के मामले में सिर्फ मेरा यही कहना है कि सब फर्जी मुकदमे हैं और इनकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जितने भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। आप लगातार खबरें छाप रहे थे, क्या लगता है कि उसके कारण ये राजनीतिक प्रेरित है और दूसरा राजनीतिक और व्यक्तिगत रुचि लेकर? कांग्रेस सरकार में दामनकारी नीति अपनाते हुए देश के चर्चित एवं खोजी अखबार सांझा लोकस्वामी के संपादक जीतू सोनी के खिलाफ जिस तरीके से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया गया कि यह सब कार्रवाई सरकार के दबाव में की जा रही है। अधिकारियों ने सरकार के दबाव में और सरकार को खुश करने के लिए जीतू सोनी पर एक के बाद एक 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज कर दिए, जबकि जीतू सोनी का प्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले में कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी एक तरफा बिना जीतू सोनी का पक्ष बिना जाने मुकदमा कायम करना ही इस बात का प्रतीक था कि सारे मामले राजनीतिक दबाव में बनाए जा रहे हैं। आज इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस की कस्टडी में जीतू सोनी इंदौर में जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया को बताया कि सारे मुकदमे फर्जी है, इनकी उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए कि किसके दबाव में मुकदमे दर्ज किए गए और दोषी अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में किसी मीडियाकर्मी या पत्रकार या किसी अखबार मालिक के खिलाफ इस प्रकार के द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कोई भी सरकार ना कर सके। जीतू सोनी और उनके पूरे परिवार को और उनसे जुड़ी हुई संपत्तियों को जिस प्रकार से पुलिस ने टारगेट किया था, उसे अब न्यायालय में साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। आज प्रेस वार्ता में आईजी ने भी यही कहा कि सारे मामलों में साक्ष्य संग्रहण की आवश्यकता है, साक्ष्य संग्रहण होने के बाद ही इन सभी मामलों में कुछ कहा जा सकता है। देखिए, अभी हमने उनको जस्ट गिरफ्तार किया है, इस आरोपी जीतू सोनी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसके भाई महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया था। इनसे दोनों से पूछताछ होगी कि 45 से अधिक मामले हैं, तो अभी इस चीज़ पे कहना मुश्किल है कि इनका किस केस से क्या रिलेशन है। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ आगे बढ़ेगी, हमारे पास अगर कोई महत्वपूर्ण डिटेल्स आएंगे हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, अभी हम सर्च की कार्रवाई रिमांड के दौरान करेंगे और जो जो चीज़ें बरामद होंगी उसमें से जो हम आपसे डिस्क्लोज कर सकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ बताई मीडिया को नहीं जा सकती और कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, परंतु जो जो पब्लिक डोमेन में रखने वाली चीज़ें होंगी हम जरूर शेयर। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।